नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज द ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेज ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा द होल सिस्टम इज एक्सलेटेड हॉरिजोंटली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज सवाल है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक जी इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हमारे ऑप्शन है एम जी साइन थीटा एम जी एम जी बाय कॉस थीटा या फिर आपका एम जी कॉस थीटा नाउ स्नैरियो ये है इस सवाल को अच्छे से समझ के करेंगे कि ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन uh, है जिसका एंगल थीटा है और ये ऐसे एक काम करते हैं इसको पहिए भी बना लेते हैं जस्ट फॉर फन, राइट और ये आपका इंक्लाइन प्लेन uh, ऐसे आपका रखा हुआ है यहाँ पे आपका फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू ज़ीरो है सारी सरफेस स्मूथ है यहाँ पे भी आपका फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है राइट ना right? इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक आपका ऐसे रखा हुआ है ये आपका एम मास का ब्लॉक है राइट और यहाँ पे हमने पूरे आपका सुडोफोर्स का सवाल है पूरे सिस्टम को एक्सलेशन दिया हुआ है एक्सेलेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वैच अब नाउ इसको हमने एक्सलेशन दिया है उसका मतलब ये है और सिचुएशन ऐसी है सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज तो आपका ब्लॉक जो है वो वेज से स्लिप ना हो इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हैं तो इस वेज का एक्सलेशन ए है इस वाले ब्लॉक का भी ए एक्सलेशन होगा सो so दैट ये दोनों ग्राउंड के फ्रेम में आपको सेम एक्सलेशन से जाते हुए दिखेंगे ना इसके लिए अगर हम फ्रेम चेंज करें अब इस एम मास की बात करें इसका अगर हम एफ बी डी बनाएं तो एम मास का एफ बी डी जब हम बनाएंगे तो इसका हॉरिजोंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम फोर्सेज की बात करेंगे लेट मी चेंज इन कलर ऑल एट सो so, इस केस में आपका जो एम है वो तो यहाँ पे आपका एम नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और ये जो आपका इंक्लाइन एंगल है इस एंगल की यहाँ बात कर लेते हैं एम के अगर हम दो कंपोनेंट लें तो ये वाला एंगल आपका थीटा है और नॉर्मल जो आएगा वो आपका इस डायरेक्शन में ऐसे करके इस सर्फेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल फोर्स आएगा हमें इस नॉर्मल की वैल्यू बतानी है कितनी होएगी अलग यही वो फोर्स है जो आपके इस इंक्लाइन ने Uh, इसके ऊपर लगाया नो ना एम जी के अगर हम दो कंपोनेंट करें तो एम जी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जिसको हम लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा और एम जी का जो दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा उसको आप लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा तो इसके ऊपर जो फोर्सेज हैं ब्लॉक के अगर तो रेस्ट पे है अगर पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो आपके कंपोनेंट हो जाएंगे एम जी कॉस् थीटा एम जी साइन थीटा और नॉर्मल यहाँ पे आ जाएगा और नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम जी कॉस् थीटा अगर ये तब जब ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है लेकिन अभी यहाँ पे इसके ऊपर एक और फोर्स है जो कि आपका सूडो फोर्स होएगा इस डायरेक्शन में लगेगा एम ए ना इस एम ए के अगर हम कंपोनेंट करेंगे ये आपका थीटा एंगल है तो एम ए के जब कंपोनेंट करेंगे ये वाला कंपोनेंट आपका आएगा एम ए कॉस थीटा और इसी का इस डायरेक्शन में जो आपका कंपोनेंट आएगा एम ए का इस डायरेक्शन में वो आपका कंपोनेंट हो जाएगा एम ए साइन थीटा राइट तो अगर हम चाहते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है वो आपका मूव ना करे विद रिस्पेक्ट टू आपका वेज तो इसका मतलब होएगा फॉर नॉन स्लीपिंग कंडीशन हो जाएगी आपकी एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए कॉस्ट सीटा नाव इस दोनों साइड से एम कैंसिल हो जाएगा अगर कॉस्ट सीटा से मैं इसको डिवाइड कर दूँ जी से इधर ले जाऊँ तो देट मीन्स आपका टेन थीटा विल बी इक्वल टू ए बाय जी यह आपकी कंडीशन आ जाएगी टेन uh, थीटा के लिए नाव यहाँ पर हमें बताना है कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी होएगी सो so, आपकी जो सेकेंड इक्वेशन है तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्से बैलेंस करेंगे सो so, इस डायरेक्शन में जब हम फोर्सेस बैलेंस करेंगे दूसरी इक्वेशन लिखेंगे आप एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू एन नाउ अगर अपना टेन थीटा यहाँ पे है एक काम करते हैं इसको ऑलेट इस कंडीशन को हम यहाँ लिख सकते हैं ए विल बी इक्वल टू जी टेन थीटा ना इसको अगर हम यहाँ पर इंसर्ट कर दें तो आपकी जो वैल्यू है वो बन जाएगी एम जी कोस थीटा प्लस एम ए को हम यहाँ लिख सकते हैं जी टेन थीटा यानी कि ये बन जाएगा आपका जी साइन थीटा डिवाइडिड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा ना दिस विल बी इक्वल टू एन अगर यहाँ पर हम कॉस थीटा कॉमन ले लें डिनिनेटर uh, में एम जी आपका कॉमन आ जाएगा सो so, इसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन नाउ ये बात अपने को पता है साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस्ट स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है विच एम्प्लाईज जो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडिड बाय कॉस थीटा तो ये आपका फाइनल नॉर्मल की वैल्यू आएगी ये वैल्यू वन हो गई सो नॉर्मल विल बी एम जी बाय कॉस्ट थीटा Hence option number 3 would be the right answer.